पूर्व पार्षद हरीश शर्मा आत्महत्या व उसे बचाने के लिए नहर में कूदे राजेश शर्मा की मौत के बाद परिजनों व समर्थकों में जबरदस्त रोष था, जिसके चलते शाम को लगभग 4 घंटे नेशनल हाईवे जाम रहा। परिजन व समर्थक मांग पर अड़े रहे। रोहतक सांसद विधायक व पूर्व मंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री व अनिल विज के सामने मांगे रखी। जब उन्होंने मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया तब जाकर हाईवे को खोला गया। कृष्ण लाल पवार पूर्व मंत्री ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज, DGP व ADGP संदीप खिरावर से फोन पर बातचीत की और कल देर साय पानीपत SP मनीषा चौधरी, तहसील कैंप चौकी इंचार्ज बलजीत मलिक व चौकी के SI महावीर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पटाखा प्रकरण में दर्ज हुए मुकदमे को रद्द करने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज, DGP व SIT ने मान ली। इसमें SP बलजीत मलिक और महावीर तीन नाम अंजलि के बयान पर थे। फर्स्ट जो बयान हुए थे ये उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। सर, भाजपा के बड़े सीनियर नेता हैं, सरकार भी भाजपा की थी सबको, लेकिन भाजपा ने अपना एक अच्छा कार्यकर्ता, एक दबंग नेता खो दिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने, पूरी पार्टी ने शोक जताया है कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ हरीश शर्मा हमारा साथी था। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जिनकी गलती से हुआ है निश्चित तौर पर उनको सजा दिलाई जाएगी। क्या पूरी हुई कल माननीय मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल जी से और साथ ही साथ हमारे मंत्री अनिल विज जी से 2-3 बार चर्चा उनके साथ हुई। जब सब बैठे हुए थे, सबसे पहले तो है कि दोनों परिवारों को एक एक नौकरी दी जाएगी, दोनों परिवारों को, राजेश शर्मा जी के परिवार को भी और अंजलि के परिवार को भी। और इसके साथ ही साथ जो 14 तारीख को रात को पटाखों का और 15 तारीख को शायद वो FIR हुई थी, वो केस विड्रा किया जाएगा, ये उस पर निश्चित किया गया है। और अंजलि ने जो FIR लिखवाई है, जब ये FIR अंजलि ने लिखवाई थी 19 तारीख को, और उसमें जिन जिन के नाम थे उन सब के ऊपर FIR हो चुकी है। और अंजलि जी एक बात कह रहे थे कि उन्होंने कुछ और नाम भी दिए थे, जबकि जब हमने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो पहले दिन 19 तारीख को तो 3 नाम ही थे, और जब इन्वेस्टिगेशन टीम आई है SAT तो उसमें 5 लोगों के नाम है। तो इसके अभी देखते हैं क्या पिछन है, इसकी अभी जानकारी नहीं है। सर, मुआवजे की सरकार की, मतलब सरकार भी आपकी, पार्षद भी आपका, प्रशासन भी आपका, इतना मतलब रूढ़ व्यवहार प्रशासन द्वारा और आपका एक अच्छा कर्मठ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत हाई लेवल की SAT टीम है जो गठित हुई है, इसके एक बार फाइंडिंग आने दीजिए, फिर देखिएगा।